उधर पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने मंगलवार को नामांकन दाखिल किया। बंसल ने अपने हलफनामे में बताया कि 5 साल में उनकी संपत्ति दोगुनी कैसे हो गई। पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने मंगलवार को चंडीगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। पवन बंसल ने जो नामांकन में हलफनामा दाखिल किया उसमें उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया, जिसमें उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 7.7 करोड़ रुपए बताई। 2009 के चुनाव के समय दाखिल हलफनामे में बंसल ने अपनी संपत्ति 3.86 करोड़ बताई थी। हलफनामे के मुताबिक बंसल की संपत्ति 5 साल में दोगुनी हो गई। 65 साल के बंसल ने अपने हलफनामे में अपने आप को वकील के तौर पर दिखाया। उन्होंने बताया कि उनकी चल संपत्ति 1.90 करोड़ है। वहीं उनकी पत्नी मधु बंसल के पास 1.60 करोड़ की चल संपत्ति है। 2013 में बंसल ने एक होंडा सिटी कार भी खरीदी जिसकी कीमत 8.75 लाख बताई। इसके अलावा बंसल के पास एक पुरानी मारुति स्टीम कार भी है जिसकी कीमत 30,000 रुपए बताई गई। वहीं बंसल की पत्नी के पास कोई कार नहीं है। यही है कि बंसल ने 5 साल में अपनी संपत्ति को दोगुना कैसे कर दिया।